नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच। शनिवार को गुरुग्राम के एक निजी होटल में पार्षद कुलदीप यादव ने वी स्पार्क स्टार्टअप एसोसिएशन के गुड़गांव अध्याय का रिबन काटकर शुभारंभ किया और स्टार्टअप मेंटरिंग कार्यशाला का उद्घाटन भी किया। वैसा गुड़गांव चैप्टर के लॉन्च के साथ वैसा द्वारा स्टार्टअप के लिए एक मुफ्त मेंटरिंग वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया, जिसमें 30 से अधिक स्टार्टअप्स ने भाग लिया। इस मौके पर निगम पार्षद कुलदीप यादव ने कहा कि गुड़गांव स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है। बड़े आईटी फर्म, ऑटो उद्योग और अन्य उद्योगों के साथ साथ कई इंक्यूबेटरों ने गुरुग्राम को चुनने के लिए स्टार्टअप के लिए विश्व स्तर का वातावरण बनाने में मदद की है, लेकिन वर्तमान समय में जरूरत स्टार्टअप्स की मेंटरिंग और ग्रूमिंग की है। मैं वी स्पार्क स्टार्टअप एसोसिएशन को इस विशेष दिशा में प्रयास करते हुए देखकर खुश हूं। देखो, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा वैसा का ऑर्गेनाइजेशन का और इनकी पूरी टीम को कि ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को की अवेयरनेस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें, इस तरह का ये काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि इन्होंने मेरे को यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया और मान सम्मान दिया, तो मैं इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इनको और उम्मीद करता हूँ कि इनका ये जो मुहिम है ये पूरे शहर में फैले और ये गुड़गांव का जो चैप्टर आज लॉन्च इन्होंने किया है तो इसमें गवर्नमेंट से भी जो भी मदद हो पाएगी हम इनकी करेंगे और बहुत बहुत इनको मैं बधाई देता हूँ। वहीं वैसा के अध्यक्ष राज पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स है और जल्द ही दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप होने वाला है, लेकिन स्टार्टअप के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और बजट जिसमें मुख्य चुनौती रहती है। ऐसे में वैसा का प्रयास रहेगा कि एक्सपर्ट्स की मदद से स्टार्टअप के लिए इन चुनौतियों से समाधान के विकल्प दिए जाए। वैसा पैसे से जोड़ेगा, वैसा पैसा बहुत है, पैसा सरकार के पास बहुत है, बैंक्स के पास बहुत है, सरकार ने स्कीमें बहुत निकाली हुई हैं, अट्रैक्टिव स्कीम्स, ऊपर से सब्सिडी भी है बहुत सारी स्कीम्स में, साथ में हमारे पास में बहुत सारे सीड फंड्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, यकीन मानिए पैसे की कहीं कमी नहीं है। तो वैसा उस पैसे से जोड़ने का रास्ता निकाल रहा है मैडम, उसमें क्या है कि वैसा कोशिश कर रहा है कि आपके जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो उद्यमी हैं, देश के लिए बहुत जुड़ी हैं, तो उनको वो पैसा देने में जो समस्या आती है उन्हें जानकारी नहीं होती, सही जानकारी नहीं होती, अगर सही जानकारी होती है तो उसका वो प्रोसीजर पूरे सही से समझ नहीं पाते, तो इन सब चीज़ों को जो गैप्स हैं वो हम पूरा करने में मदद करते हैं। इस मौके पर सत्यम सिकरवार, MD सैप इंफ्रा और हेड गुड़गांव चैप्टर, CS श्रुति अग्रवाल, निदेशक वैसा प्रदीप शर्मा, AGM SBI वैसा के निदेशक संदीपन रे एवं अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वैसा गुड़गांव चैप्टर का जो हमारा मेन फोकस और कॉन्सेप्ट है वो जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं पूरे गुड़गांव जिले के अंदर, मैं गुड़गांव शहर के अलावा पूरे जिले तक की बात करूंगा, जहां पे मानेसर, नूह, सोहना, पूरा गुड़गांव जिले के अंदर जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी फाइनेंस या कैपिटल को लेके जो भी कुछ समस्याएं हैं उनको फैसिलिटेट करना, उनको गाइडेंस देना, वो सारी चीज़ें इस गुड़गांव चैप्टर का हमारा कमिटमेंट है और हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इस मुहिम से जोड़ना चाहते हैं और फैसिलिटेट करना चाहते हैं। इसका कारण सिर्फ अज्ञानता हो सकती है, क्योंकि बैंकों के थ्रू रीजनल रूरल बैंक्स हैं और भारत सरकार की अपनी वेबसाइट्स हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूँ जो अभी आने से पहले मैंने निकाले हैं। जैसे लोग कहते हैं कि हमको पता नहीं है, जैसे स्कीम नहीं हुई, अब आप देखिए ये मुद्रा लोन है जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी थी 2015 में, ये 5 साल हुए हैं, 24 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले चुके हैं और कुल मिला के 12 लाख करोड़ रुपया इसके अंतर्गत, एक योजना के अंतर्गत 10 लाख तक का जो कोलेटरल फ्री लोन होता है वो विभिन्न बैंकों ने डिसबर्स किया है। इसके अलावा एक दूसरी स्कीम है स्टैंड अप इंडिया की, जिसमें महिला उद्यमी और जो SC ST उद्यमी हैं उनके लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक की स्कीम है। इसके अंतर्गत आप देखिए 1,30,000 करोड़ और 1,30,000 महिलाएं और SC ST उद्यमी, ये सिर्फ दो स्कीम्स की मैं बताई। इस तरह की बहुत स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है और उसके अलावा नॉर्मल स्कीम्स हैं। तो ये जो इस तरह के सेशंस हैं जैसे राज्य और इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है, तो ये इसी दिशा में प्रयास है कि स्कीमों की जानकारी आम जन तक पहुंचे।
इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच, और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।